जानना आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। सीएम मनोहर लाल सुबह 11 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे, सेक्टर 16 के सर्किट हाउस में पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। 12 बजे पिरथला में धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे सीएम। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत कई विधायक उनके साथ शामिल होंगे। 12 साल से लगातार खड़े होकर तपस्या कर रहे बाबा खड़े श्री सीएम मनोहर लाल 11 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आपसे जानकारी चाहूंगी, सीएम मनोहर लाल 11 बजे फरीदाबाद पहुंचेंगे, उनका ये कार्यक्रम कितना खास रह सकता है? देखिए साधना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो 12 साल से संत हैं अवधूत नाथ, वो यहाँ पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। नाथ संप्रदाय के ये संत हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, उनको भी यहाँ आना था, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, वो यहाँ पर अब पहुंचेंगे और 11 बजे का टाइम यहाँ पर रखा गया है, तो कहीं ना कहीं 12 या 12:30 बजे तक वहाँ पर मुख्यमंत्री का प्रोग्राम आयोजित होगा। इसके अलावा बात करें तो एक बड़ी कोई सौगात यहाँ पर जो सरकार को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर तमाम सड़कें टूटी हुई है और पानी और बिजली की भी किल्लत यहाँ पर काफी ज्यादा है। हालांकि पहले भी 91 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा के तहत दिए थे, उन पर भी काम शुरू हो चुका है। अभी पिछले महीने यहाँ जो रैली हुई उसमें बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, तो लगातार मुख्यमंत्री विकास के मामले में प्रदेश को नंबर वन पर लाने के लिए लगे हुए हैं और रात दिन मेहनत भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में अब उम्मीद बन गई है कि बिजली की जो समस्या है, ज्यादा लोग बिजली की समस्या से त्रस्त हैं और कहीं ना कहीं बिजली की वजह से ही पानी भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ये साधना, ठीक है राजेंद्र, बात की जाए धार्मिक आयोजन की, तो उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 12 बजे वो पिरथला भी जाने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि करीब 1 लाख लोगों के आने का यहाँ पर अंदेशा जताया गया है और साथ ही 6,000 से ज्यादा संत अलग अलग अखाड़े से यहाँ पहुंचने शुरू हो गए थे कल से ही। भारी संख्या में संत यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भीड़ की बात करें तो पूरे पिरथला विधानसभा सहित पूरे हरियाणा और पूरे देश से यहाँ लोग पहुंचेंगे और 1 लाख से ज्यादा लोगों की व्यवस्था यहाँ पर जो की गई है। इसको लेकर कल जो जिला उपायुक्त हैं जितेंद्र यादव और पुलिस कमिश्नर हैं विकास कुमार, उन्होंने यहाँ पर जो है दौरा किया था, तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जो लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो इसको लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार की गई थी, तो उसी के तहत यहाँ पर जो है प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके बाद मुख्यमंत्री सेक्टर 16 में पहुंचेंगे और यहाँ पर अधिकारियों की बैठक लेंगे। उसके बाद एफएमडीए की बैठक भी आज मुख्यमंत्री यहाँ पर जो अधिकारियों के साथ लेंगे। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत